आवाज सारणी को यहाँ पे हमें देखना है, ये आपकी आवाज सारणी कौन सी बनी हुई है, आधुनिक आवाज सारणी बनी हुई है। आधुनिक आवाज सारणी को यदि हम देखें तो वैज्ञानिक मौसले हुए हैं, वैज्ञानिक मौसले ने क्या किया था, आधुनिक आवाज सारणी को बनाया था। आधुनिक आवाज सारणी को यदि हम देखें ये किसके आधार पर बनाई गई थी, परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई थी। परमाणु क्रमांक माने जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक कम था उस तत्व को इस आवर्त सारणी में पहले स्थान पर रखा गया था, पहले रखा गया था, और जिस तत्व का परमाणु क्रमांक अधिक था उस तत्व को बाद में रखा गया था। तो आधुनिक आवर्त नियम यदि हम देखें तो आधुनिक आवर्त नियम क्या हो जाएगा, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के, इनके परमाणु क्रमांकों के कैसे होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं, हम क्या कहते हैं, आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। आधुनिक आवर्त नियम की डेफिनेशन हो जाएगी, और ये किस पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, आपकी परमाणु क्रमांक के ऊपर आधारित है। यहाँ पे मैं देखना है आवर्त सारणी में देखना है, आधुनिक आवर्त सारणी जो आपकी दी गई है इसमें आप देखेंगे कुछ आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, ऊर्ध्वाधर खाने। इन ऊर्ध्वाधर खानों को यदि हम देखें, इन ऊर्ध्वाधर खानों को हम क्या कहते हैं, वर्ग या समूह कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ग या समूह। आवर्त सारणी में क्या पाए जाते हैं, कुछ ऊर्ध्वाधर खाने पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, वर्ग या समूह कहा जाता है। इनकी संख्या आवर्त सारणी में कितनी होती है, 18 होती है, कितनी होती है, 18 होती है। और कुछ क्या पाए जाते हैं, आपके क्षैतिज खाने भी पाए जाते हैं, इन क्षैतिज खानों को क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। आवर्तों की संख्या कितनी होती है, 7, ये पहला आवर्त हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और सातवां, कितने आवर्त पाए जाते हैं, 7 आवर्त पाए जाते हैं। यहाँ पे हमने तीन चीज़ें अभी देखी, एक तो हमने देखा कि जो आधुनिक आवर्त सारणी थी वह आपकी किस पर आधारित थी, परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। ऊर्ध्वाधर खानों को वर्ग या समूह कहा जाता है, ये कितने होते हैं, 18 होते हैं। क्षैतिज जो आवर्त, क्षैतिज जो खाने होते हैं उन खानों को हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। आवर्तों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। अब यहाँ पे हमने पहला समूह हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, नौवा, दसवा, ग्यारहवा, बारहवा, और ये 13वा, 14वा, 15वा, 16वा, 17वा और 18वा। यहाँ पे हमने 13 से लेकर के 18वें तक एक साथ तीर कथन लगा लिया। यहाँ पे हम लगाएंगे तीसरे से लेकर के 12वें तक पर, इस पर भी हम क्या लगाएंगे, एक साथ तीर का चिन्ह लगाएंगे। और पहला जो आपका दिया गया, पहला और दूसरा वर्ग या दूसरा समूह, ये भी आपका एक साथ हो जाएगा। क्यों लगाया है, यहाँ पे हम आवर्त सारणी के तत्वों को देखें तो आवर्त सारणी के जो तत्व होते हैं कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका क्या होता है, एस ब्लॉक, एक बी ब्लॉक, एक डी ब्लॉक और एक एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक हो जाएगा, एस बी डी एफ। तो जो आपका पहला और दूसरा समूह होता है इसे हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जो 13वें समूह से लेकर के 18वें समूह तक के तत्व होते हैं हम क्या कहते हैं, बी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और जो समूह 3 से लेकर 12 तक के तत्व होते हैं हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और लास्ट में आपका क्या बचा हुआ, एफ ब्लॉक। तो यहाँ पे एल ए लेंथेनम और यहाँ पे ए सी माने एक्टिनम, इनसे जो तत्व रखे गए हैं इनके आगे के जो तत्व होते हैं हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। कौन से तत्व कहते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे समूह पहला। समूह पहले में पहले स्थान पर क्या रखा गया है, आपका हाइड्रोजन रखा गया है। यहाँ से हम देखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, रुबिडियम हो जाएगा, सीजियम हो जाएगा और ट्रांसियम हो जाएगा। यदि परमाणु क्रमांक देखें तो हमने पहले का परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक देख लिया कितना होता है, 1। अब बाकी के हम बाद में देखेंगे ट्रक की सहायता से। दूसरा हम समूह देखेंगे, आपका क्या दिया गया है, बेरिलियम दिया गया है। बेरिलियम में हम देखेंगे सबसे पहले इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4। बेरिलियम के बाद हम देखेंगे बेरिलियम, अगला आपका हो जाएगा मैग्नीशियम, अगला हो जाएगा आपका कैल्शियम, स्ट्रांसियम, अगला हो जाएगा बेरियम और अगला हो जाएगा Ra यानी रेडियम। पहले तत्व का यहाँ पे हमने परमाणु क्रमांक लिखा है, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1।
बेरिलियम का कितना होता है चार। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को रखा गया था क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है एक, और जो आत्मिक आवास सारणी है वो किस पर आधारित है आपकी परमाणु क्रमांक पर। हाइड्रोजन को पहले स्थान पर रखा गया है और यहाँ पर हम देखेंगे आपका एच ई एच यानी क्या हो जाएगा हीलियम, हीलियम को दूसरे स्थान पर रखा गया है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक दो होता है, और यहाँ पर लिथियम को तीसरे स्थान पर रखा गया क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक तीन होता है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे समूह तेरह को बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम।